सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गहलोत मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम बड़े और फैसलों पर मुहर लगाई गई। आपको बताते चलें कि बैठक में उदयपुर हत्याकांड में मृतक कन्हैया लाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दिए जाने का फैसला भी लिया गया। इस फैसले के लिए नियमों के शिथिलता देने पर भी निर्णय लिया गया। साथ ही न्यूज वेबसाइट्स पर भी राजकीय विज्ञापन दिए जाने की पॉलिसी को भी स्वीकृति दी गई। नवीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किए जाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21 करोड़ की एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने को और राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में ईआरसीपी परियोजना को लेकर प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला लिया गया। कन्हैया लाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली, उनके दोनों पुत्रों को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि दोनों पुत्र उनके यश तेली और तरुण तेली, कन्हैयालाल तेली के दोनों पुत्र यश तेली और तरुण तेली को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें राजकीय सेवा में लेने का निर्णय लिया गया। मैं फिर कहूंगा कि उस वक्त 28 जून को जब ये घटना हुई उसके बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां पहुंची और तुरंत प्रभाव से उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। आज जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कुछ निर्णय हुए हैं उनमें कुछ ने हमारे साथी प्रताप जी ने आपको अवगत कराया। शेष बचे हुए निर्णयों को मैं आपके सामने सम्मुख रखना चाहती हूँ। वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी को आज हरी झंडी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन विशेष तौर पर युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइंस जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति नीति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच पाएगा। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन, उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज CES के गठन का अनुमोदन किया गया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ जानकारी आपके पास। ये काफी अहम बैठक हुई है और काफी अहम फैसले भी लिए गए हैं इस बैठक में। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। कर्मचारियों की ओर से वेतन विसंगतियों दूर करने की मांग लगातार की जा रही थी। कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई है कि जो कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि हाल ही में उदयपुर में जिस तरह की घटना हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर गए और जो मृतक थे कन्हैयालाल जिनकी नृशंस हत्या हुई थी उनको उनके परिवार की ओर से उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की गई थी कि उनके दोनों पुत्रों को नौकरी दी जाए सरकारी। तो कैबिनेट ने नियमों में शिथिलता देते हुए उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पॉलिसी बनी हुई थी विज्ञापन के लिए, लेकिन वेबसाइट पर जिस तरह से डिजिटल मीडिया के लिए पॉलिसी की मांग की जा रही थी उस पर भी फैसला किया है, उसको स्वीकृति दी गई है डिजिटल मीडिया के लिए विज्ञापन पॉलिसी को। अब उनको विज्ञापन मिल सकेंगे और इसके साथ ही जो राजकीय महाविद्यालय में प्रबंधन के लिए एक राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमेटी का गठन, एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया है, ये भी एक कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। और इसके साथ ही तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में जो गांव बसे हुए थे उनके पुनर्वास के लिए 21 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि अनुग्रह के रूप में दिए जाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, कल भी एक बड़ा सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बिड़ला सभागार में किया गया ईआरसीपी को लेकर, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह की
प्लानिंग पार्टी सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, कल भी उसमें घोषणा की गई और कैबिनेट ने एक प्रस्ताव लिया और इस प्रस्ताव के जरिए हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर में ईआरसीपी को लेकर 13 जिले जो ईआरसीपी के जद में आते हैं उन 13 जिलों में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। तो इस तरह से कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई और बहुत महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए। जी दिनेश, ईआरसीपी को लेकर भी कई फैसले हुए और जो कल बीते दिन जो पीसी हुई जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर ईआरसीपी को लेकर राष्ट्रीय जो परियोजना घोषणा करने की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से वो नहीं होती तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, राज्य सरकार ही इसको इस पे काम करेगी। देखिए कल जब सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी कि बजट में 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ईआरसीपी के फर्स्ट फेज में काम शुरू किया जाएगा और जो नहरों का निर्माण है उसके जरिए किया जाएगा। क्योंकि जब 2017 में डीपीआर बनाई गई थी तो उस समय 37,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो ऐसे में इस पर लागत है वो लगातार बढ़ रही है, तो करीब 70,000 करोड़ के आसपास अब प्रोजेक्ट की कीमत आकी जा सकती है इस समय। तो ऐसे में सरकार की ओर से फर्स्ट फेज में 9,600 करोड़ रुपए का राज्य सरकार के चूंकि सीमित संसाधन है और उसी के जरिए सरकार इसका धीरे धीरे निर्माण कार्य करेगी, तो डीपीआर भी राज्य सरकार की ओर से बना ली गई है और नवंबर माह तक सरकार की ओर से ये कहा गया है जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कि नवंबर माह तक इसका काम फर्स्ट फेज का शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जो पत्र लिखे गए हैं कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है वो दो राज्यों का अंतर्राज्य समझौता है और ऐसे में इस काम को भी रोका जाए, राज्य सरकार मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए, लेकिन जिस तरह की सियासत हो रही है उस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा फैसला और बड़ा बयान कल उन्होंने दिया कि अगर केंद्र सहयोग नहीं करेगा तब भी इसका अलग अलग फेजेज में राज्य सरकार इसका निर्माण कार्य पूर्ण करेगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फोन लाइन पे थे दिनेश कसाना जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस अहम बैठक में फैसले किए गए हैं ईआरसीपी को लेकर हो चाहे